नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीपी न्यूज। कोरोना मेडिकल टीम पर लाठी डंडे से हमला, डीएम सीईओ ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी व कड़ी कार्रवाई के लिए एसपी से की बात। बलिया बैरिया क्षेत्र के मधुबनी में स्वास्थ्य विभाग के रैपिड रिस्पांस टीम पर हमला करने वाले दोषी किसी कीमत पर नहीं बचेंगे। कोविड-19 महामारी में जान जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के शाम बसुलुकी व हमले को पुलिस प्रशासन ने भी गंभीरता से लिया है। इस मामले में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और दोषियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। उधर घटना के तुरंत बाद जिलाधिकारी अदिति श्री ने एसडीएम और सीईओ को मौके पर भेजा। जिलाधिकारी के साथ सीडीओ प्रवीण वर्मा ने भी संबंधित डॉक्टर व स्वास्थ्य स्टाफ के साथ बात कर उनका हाल जाना। इसके बाद दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक से बात की। माना जा रहा है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी ताकि इस तरह की अराजकता फैलाने वालों के लिए नजर बन सके। पेश है बलिया से नवल जी के साथ अखिलेश सैनी की एक खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? डॉक्टर नीरज कुमार सिंह। अच्छा, कहाँ पर कार्यरत है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोटवा। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? वो क्या पासवान चौक पे पेशेंट का नाम क्या था? घनश्याम। पासवान चौक पे मधुबनी कोटवा के नाम से जगह था जो हम लोगों को ट्रेस करने के लिए मिला था। 60 वर्ष उम्र का घनश्याम पासवान नाम का कोरोना पॉजिटिव पेशेंट था। शासन के आदेश के अनुसार जो हम लोग उसको होम क्वारंटाइन करने के लिए हर मरीजों को जाते हैं, दवा देने के लिए जाते हैं, वही देने के लिए हम लोग गए और वहां जाके जब हमारी गाड़ी रुकी तो गाड़ी पर और हम लोगों के ऊपर लाठी बरसाना चालू कर दिए। बहुत गाली दिए, भद्दी भद्दी की, साले तुम लोग जो है कोई कोरोना नहीं, तुम लोग पैसा बनाने के लिए साले आते हो, भाग जाओ, और दौड़ा दौड़ा के बड़ी मार मारे हैं। किसी तरीके से वहां से हम और हमारी टीम जान बचा के आई। बस जान बच गया, भगवान का यही शुक्र है, नहीं तो जान उतार जान लेने पर वो सब एकदम आमादा थे। लोग थे वहां मारपीट करने वाले? अरे बहुत लोग थे, कम से कम 60-70 लोग थे। पूरा इलाका के जितना भी घर था, औरतों से लेके बच्चों से लेके बड़े आदमी तक सब लोग थे उसमें। मार के मेरी हड्डी तोड़ दिया। अच्छा, कहाँ चोट लगी आपको? ये यहाँ पे मारा है, यहाँ पे मारा और पीठ पे मारा है। अच्छा, और किसको किस चोट लगी है? ये डॉक्टर अमित कुमार है हमारे साथ के चिकित्सा अधिकारी, उनको भी चोट लगी है। इसकी सूचना आपने पुलिस को कब दी? मुझे तो चोट लगी थी, हमारे कलीग लोग दिए होंगे, मैं तो किसी को सूचना नहीं दिया, ये हमारी टीम दी है। अब इतना हमको सम्मान दिया, हम सूचना दें कि अपनी जान बचाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। आप लोगों को हुई होगी, इस संदर्भ में क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? देखिए, डॉक्टर साहब द्वारा फ़ोन पे अवगत कराया गया कि उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट किया है, तो जानकारी मिलते हैं हम और सीईओ साहब और हमारे इंस्पेक्टर बैरिया जो है मैं फोर्स हम लोग पहुँचे हैं। वहाँ पे वीडियो एक है हम लोग के पास, कुछ लोगों को ट्रेस कराया जा रहा है। जो भी दोषी मिलेंगे उन सब लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी ताकि दोबारा जो है हमारी जो मेडिकल टीम है उनके साथ कोई भी कोई दुर्व्यवहार ना करें। सर, FIR वगैरह क्या है? FIR लॉन्च कराया जा रहा है। कोई तहरीर दिया? हाँ, डॉक्टर साहब द्वारा तहरीर दी जा रही है, अभी डॉक्टर साहब लिख रहे हैं, तहरीर मिल रहा है, तहरीर मिलते ही FIR दर्ज कराया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी सबके खिलाफ़।